न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। काकोरी ट्रांजेक्शन शताब्दी महोत्सव में आयुष विभाग मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयाल ने मंडल कारागार में शहीद राजेंद्र लाहिड़ी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम के बाद मंत्री दयाल ने वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की घोषणा की और विपक्षी नेताओं की तुष्टिकरण की राजनीति की आलोचना की। विनीत फोगाट के बारे में उन्होंने कहा है कि देश मानता है कि उन्हें गोल्ड मेडल जीता और मामला न्यायालय में है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने भारत सरकार के बांग्लादेश से बातचीत करने की बात कही। आजमगढ़ में काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विकास भवन में अमर शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ऊर्जा और नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने आजमगढ़ और अन्य क्षेत्रों में 4,30,00,000 की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मंत्री ने नगरीय व्यवस्था सुधार, गरीबों को आवास और रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद देने की बात कही। नगर विकास में हम लोग सभी दिन रात अपने नगरों को बेहतर बनाने का, उनकी सफाई को बेहतर बनाने का, उनमें जो आयोजन हो रहा है उसमें बेहतरी लाने का, उनके मैनेजमेंट में बेहतरी लाने का हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हम अपने नगरों को वैश्विक नगर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने महावीर चौक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में सैकड़ों ट्रैक्टर, हजारों किसान शामिल हुए। यात्रा महावीर चौक से शुरू होकर कई प्रमुख स्थानों से होते हुए वापस राजकीय इंटर कॉलेज पर समाप्त हुई। यात्रा में देशभक्ति गीतों के साथ किसान नेताओं ने नृत्य किया। टिकैत ने इस दिन को अगस्त क्रांति और किसान क्रांति के रूप में मनाने की मांग की है और भारत सरकार से इस दिन को क्रांति दिवस घोषित करने की अपील की। उन्होंने MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट, भूमि अधिग्रहण बिल और बिजली सुधार जैसे मुद्दों पर जोर दिया। अगस्त क्रांति है तो इसको किसान क्रांति भी कहते हैं और आज ही के दिन 1942 में भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था। तो भारत सरकार से डिमांड है कि इसको क्रांति दिवस घोषित करा जाए। ये तिरंगा मार्च है, जो हमारी किसानों की डिमांड है उसको भी सरकार पूरा करे। ये वही ट्रैक्टर है जो 15 साल पुराने, 10 साल पुराने हैं। NGT से इस कानून को हटा जाए, नहीं तो ट्रैक्टर सड़कों पर चलते रहेंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर हाथरस में शहीद स्मृति स्थल और PC बांग्ला कॉलेज में भव्य आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधियों, जिलाधिकारी आशीष कुमार और पुलिस अधीक्षक निपुण अग्रवाल ने शहीदों को सम्मानित किया और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। समारोह में माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और छात्रों द्वारा सरस्वती वंदन की गई। हर घर तिरंगा अभियान 2024 और काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अवसर पर सहारनपुर में जिला स्तरीय कबड्डी बालक प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ, जहां पर जिलाधिकारी रजनीश कुमार मिश्र ने खिलाड़ियों से मिलकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना ने बताया कि 13 अगस्त को जिला स्तरीय कुश्ती और 14 अगस्त को बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। मैं अनिमेश सक्सेना, स्पोर्ट्स ऑफिसर सहारनपुर। काकोरी ट्रेन एक्शन का 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आज जो है खेल विभाग द्वारा कबड्डी की प्रतियोगिता कराई जा रही है। इसी के साथ साथ नागपंचमी के अवसर पर भी कुश्ती की प्रतियोगिता और साथ साथ बॉक्सिंग की प्रतियोगिता, यानी कि बहादुरी वाले खेलों को चुना गया है इन 15 अगस्त से घर घर तिरंगा होने से पूर्व में। तो उसके तहत आज पहले दिन यहाँ पर कबड्डी की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 6 हमारे ज़िले की टीमें जो बहुत, जिसमें कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी और जो कि प्रो कबड्डी के लिए भी जा रहे हैं, उनमें से उन खिलाड़ियों ने भी इसके अंदर प्रतिभाग किया है। तो ये यहाँ पे प्रतियोगिता यहाँ पे चल रही है। पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसानों ने तिरंगा मार्च निकाला। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ ये मार्च कलेक्टर परिसर की ओर बढ़ा। किसानों ने ADM को 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। मार्च के दौरान जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और पुलिस को तैनात किया गया। आज राष्ट्रीय आह्वान के तहत एक कार्यक्रम हुआ है, जो किसान जो दिल्ली में हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसमें सरकार ने कहा था कि हम किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाएंगे, लिखित भी कृषि मंत्री ने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है अपने वादे से मुकर गई। और आवारा फसलों की बहुत बड़ी समस्या है, जगह जगह आवारा फसलों जो है फसलों को नुकसान कर रहे हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं। 10 सूत्रीय मांग पत्र हमारा है जो हमने दिया है, उसी संबंध में हम लोग यहाँ पर आए हैं और जो है उनका समाधान केंद्र सरकार से चाहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी उन समस्याओं का समाधान करें, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। कानपुर में जल निगम यूनियन ने नगर आयुक्त के साथ बदसलूकी के आरोपों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हड़ताल जारी की है। यूनियन ने शहर की स्ट्रीट लाइट बंद कर दी और सिविर सफाई भी रोक दी।
हड़ताल के तीसरे दिन शहर में गंदगी फैल गई और जनजीवन प्रभावित हो गया। प्रदर्शनकारी यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो नगर निगम स्कूल भी बंद कर दिए जाएंगे, पुलिस की तैनाती बढ़ा दी जाएगी। नितिन कुमार वाजपेयी, उत्तर प्रदेश जलकल कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष, और कानपुर में जितने संगठन हैं, जलकल मजदूर सभा, तकनीकी कर्मचारी संघ, चालक परिचालक संघ और जो भी संगठन है, सबका एक मोर्चा गठित हुआ है, उसका मैं संयोजक हूँ। आज क्या मांग लेके आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और क्या अभी तक आश्वासन मिला है? अभी तक आश्वासन के नाम पर कुछ नहीं मिला, और जो मांग हमारी है, जो नगर आयुक्त यहाँ 6-8 को जो भारतीय विद्यालय आजमगढ़ में नकली नोट की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस ने 2 लाख रुपए की जाली नोटों के साथ सचिन पांडे उर्फ आकृत पांडे को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के खिलाफ अतरौला थाना क्षेत्र में 20 मुकदमे दर्ज है और वो D29 गैंग का सदस्य है। पूछताछ में उसने वेस्ट बंगाल के एक व्यक्ति से जाली मुद्रा का सौदा करना स्वीकार किया। देखिए, थाना अतरौलिया से एक सचिन पांडे उर्फ आकृति पांडे है, इनकी आज अरेस्टिंग हुई है और इनके कब्जे से करीब 2 लाख के 500 के जो नोट हैं वो जाली करेंसी इनके पास से बरामद हुई है। और इनके पूर्व में भी करीब 20 मुकदमे इनके ऊपर रहे हैं और ये थाने के HS हैं। और ये जानकारी मिली है कि जब जेल में रहे थे तो इनकी एक वेस्ट बंगाल के एक लड़का है, उससे इसकी मुलाकात हुई और फिर उन्होंने वहाँ से इनको एक ऑफ़र दिया कि हमारे पास में जाली करेंसी का सोर्स है और यदि आप ये व्यापार करना चाहते हैं तो हमारे साथ में शामिल हो जाए। तो उसी पे इनको 2 लाख रुपए की जो जाली करेंसी जो इनके साथ ही इनके द्वारा दी गई है और इनको गिरफ्तार किया गया है। ये 10,000 के बदले में 20,000 के नोट लोगों को दे रहे थे और उसी के चक्कर में ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो कि इस तरीके से 10,000 के बदले में 20,000 के 500 के नोट देने को तैयार है। और इसी की सूचना पर पुलिस और हमारी जो SOG टीम है, उन्होंने उसको गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के नरोत्तमपुर गांव में एक युवक का शव सोमवार को खंडहर में मिला। मर्डर की इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को देकर कार्रवाई पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि अभियुक्त रामचंद्र मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने प्रॉपर्टी विवाद के चलते अपने भतीजे प्रभात मिश्रा की जान ले ली। देखिए, थाना महाराजगंज में 5 तारीख को एक सूचना मिली थी कि शाम में एक जो लड़का है प्रशांत मिश्रा नाम का, करीब 20 वर्ष के आसपास उसकी उम्र है, वो अपने दादा के घर से अपने घर पर निकला था और उसके बाद में फिर रास्ते में गायब हो गया। इसकी तत्काल जो थाना प्रभारी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई। अगले दिन जो प्रशांत मिश्रा हैं, उनकी जो डेड बॉडी है उनके एक पुराने घर के जो वहीं घर के पास में ही है, उसके हाथे में बाउंड्री वॉल के अंदर पर मिली। और उसके बाद में इसमें 2 लोगों के खिलाफ में वायसवा में जो तहरीर प्राप्त हुई थी, एक कृष्ण चंद मिश्रा हैं और दूसरे हैं कृष्णमणि मिश्रा, जो कि जमुना प्रसाद के ही पुत्र हैं और ये वहीं उसी गाँव के रहने वाले हैं और इनके दूर के रिश्तेदार हैं। उसी पे हमारी जो टीम है इसमें लगातार, इसमें चूँकि घटना थोड़ी सी इस तरह की लग रही थी कि लड़का अपने दादाजी के घर से अपने घर जाने के लिए निकला और उसके बाद में रास्ते में गायब हो गया, और जब ये सारी चीज़ों की जांच की गई तो पता चला कि जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो अपने घर पे ही थे उस समय। सिटी बाजार पुलिस और SWAT टीम ने अलग अलग स्थानों से 2 शातिर गैंग को गिरफ्तार कर मोबाइल टावर से चोरी करने वाली घटनाओं और बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 12 अपराधियों को धर दबोचा। इनके कब्जे से 9 चोरी की बाइक, 1 चेसिस, 3 खुले हुए इंजन बरामद कर लिए गए हैं। वो मोबाइल टावर से चोरी करने वाले गिरोह से 5 कीमती मोबाइल, 1,000 की नकदी और 1 4-पहिया वाहन बरामद किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत थाना अध्यक्ष सिपरी बाजार की पुलिस टीम के द्वारा आज 3 अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कैलाश केवट गैंग लीडर है, इसमें पहले से भी मुकदमे हैं। इनसे कुल 9 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं तथा 2 मोटरसाइकिलों के इंजन और चेचिस आज बरामद हुए हैं। इसमें एक मिस्त्री भी है जो मोटरसाइकिलों को खोल करके पुरानी मोटरसाइकिलों में इनके पार्ट्स को लगा करके बेचता था। कासगंज जनपद के गढ़ी गांव में भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे के नेतृत्व में दर्जनों किसान नेताओं ने बिजली के बिल MSP कानून बनाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए किसानों ने बिजली के बिल की प्रतियां जलाकर अपना विरोध सरकार के प्रति दर्ज कराया और ज्ञापन तहसीलदार को दिया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन के द्वारा बिजली बिल 2020 का विरोध किया जा रहा है। जब केंद्र सरकार ने कानून वापस लिए थे तब इन विषयों पर भी बात हुई थी, बिजली बिल 2020 को वापस लेने की और MSP कानून बनाने के लिए भी बात हुई थी। सरकार अपने वादे से मुकर गई है तो उसका ध्यान आकर्षित कराने के लिए बिजली बिल की प्रतियां जलाकर बिजली बिल वापस कराने की मांग के लिए ये प्रदर्शन रखा गया है। नूरपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवक के पास चेकिंग के दौरान 2 अवैध कमंचे, 315 और 12 बोर के जिंदा कारतूस, 325 बोर और 2 खोखे बरामद किए। नूरपुर पुलिस दोनों युवकों को न्यायालय में पेश करके अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।
बरेली शाही शीशगढ़ क्षेत्र में लगातार हुई 9 महिलाओं के मर्डर के आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 6 महिलाओं के मर्डर का जुर्म कबूल। एसएसपी अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीडियो को बताया गया कैसे किस प्रकार और क्यों बनाता था महिला को अपना शिकार। अपराधी कुलदीप घर में पहले सौतेली माँ फिर बीवी द्वारा प्रताड़ित हुआ, जिससे उसके दिमाग में औरतों को लेकर एक विकृति पैदा हो गई। कुलदीप अफीम, चरस, गांजा, भांग आदि नशे का आदि था। औरतों के संपर्क में आकर उनसे दोस्ती बढ़ाकर और सेक्स के लिए ऑफर फिर मना करने पर मौत के घाट उतार देता था। जैसा कि आप सभी अवगत है कि वर्ष 2023 और इस वर्ष जुलाई 2024 में थाना शीशगढ़ और थाना शाही अंतर्गत कुल 6 महिलाओं की हत्याओं के केसेस दर्ज थे 302 आईपीसी के अंतर्गत, जिनका अनावरण नहीं हुआ था। हम लोगों ने इसके लिए, इनके अनावरण के लिए एक टीम गठित की थी और उस टीम को एक ऑपरेशन तलाश का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ना था उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई है। हम लोगों ने आज इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था, जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम। बिजनौर में काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर शताब्दी महोत्सव आयोजित किया गया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में भाग लिया। जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, विधान परिषद सदस्य अशोक कटारिया, विधायक स्वामी उमेश और अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। कोटकादर स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक प्रियांशु त्यागी को सीबीआई ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। सचिन नामक एक व्यक्ति के बैंक में आटा चक्की के प्रिय ऋणी के कागजात जमा किए थे, लेकिन प्रबंधक ने रिश्वत की मांग की थी। जब सचिन ने सीबीआई से संपर्क किया तो योजना के तहत 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए प्रबंधक ने लगे हाथों पकड़ लिया। सीबीआई ने प्रबंधक और चपरासी मदन लाल को हिरासत में लेकर 11 घंटे तक पूछताछ की और दोनों को दोषी पाया गया। मैनेजर साहब। क्या नाम है मैनेजर का? जयांशु त्यागी। अच्छा, फिर बताइए आगे बताइए। तो 30,000 फाइल को स्टार्ट करने के और 30,000 फाइल के बाद। अच्छा, आप चार्ज के लिए। अच्छा, फिर 10% ले। 10%। तो फिर इसकी सूचना आपने किसको दी? ब्यूरो को दी। फिर क्या हुआ आगे बता। आज कासगंज के मोहनपुर कस्बे में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता काजल की मौत हो गई। परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। काजल की शादी लगभग 4 महीने पहले मोहनपुर निवासी निर्मल सिंह राघव से हुई थी। घटना के समय ससुराल जने फरार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सावर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। चंदौली के नौगढ़ थाना क्षेत्र के नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। 17 साल की पीड़िता को स्कूल के बहाने एक युवक ने बाइक पर बैठाकर जंगल ले गया, जहां 3 युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया। घटना गहिला बाबा पिकनिक स्पॉट के पास जे मोहानी गांव के युवकों द्वारा अंजाम दी गई। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ में भर्ती कराया। परिजनों ने पुलिस की तहरीर देकर घटना की जानकारी दी। हम जो जितना जघन्य अपराध हुआ है और इस योगी जी की सरकार में, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, ऐसे दुष्कर्मियों के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों की मानसिक स्थिति उभरे ना। और मैं मांग करना चाहता हूं, मैं लखनऊ में जा रहा हूं, परसों दिन मेरी बैठक है, इस मामले को मैं उठाऊंगा। मैं इस मामले को डीजीपी महोदय के यहाँ भी उठाने का प्रयास करूंगा। अभी तक जिलाधिकारी युजराज सिंह ने अतिवृष्टि के कारण जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने तिनपनी डैम से लेकर जनपद चौराहा, आनंद विहार और अन्य क्षेत्रों में जल निकासी की स्थिति का जायजा लिया। नगर आयुक्त को जल निकासी में अवरोध हटाने के लिए निर्देश दिए। सफाई और खुदाई कार्य के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। उप जिलाधिकारी ने बताया कि वर्षाकाल से पूर्व नहरों और नालों की सफाई की गई थी, जिससे जलभराव कम हुआ और जल निकासी शीघ्र हो रही है। चमोली में सामाजिक उत्पीड़न के दोषियों की गिरफ्तारी न होने पर जिला मुख्यालय गोपेश्वर में प्रदर्शन हुआ। 15 जुलाई को जोशीमठ के सुभाई गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक दंड की घटना के बाद शिल्पकार सभा और विभिन्न संगठनों ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर जुलूस निकाला और जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। मैं गिरीश आर्य, अध्यक्ष जिला पर्वती शिल्पकार सभा जनपद चमोली। ये संघर्ष हमारा जो है ये आक्रोश रैली है। ये आक्रोश रैली 12-13 जुलाई को जो घटना सुभाई और चाचड़ी गांव में वहां के अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो वहां के दबंग और सवर्ण लोग हैं उनके द्वारा जो है जो अन्यायपूर्ण, अवैधानिक और जिस प्रकार से जो है एक उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले प्रस्ताव को पास किया और तत्कालीन जो है उनके विरुद्ध जो है FIR दर्ज भी हुई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, जबकि एक माह का समय बीतने वाला है।
नारायणपुर त्राहे में क्रांति दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक नारायणपुर त्राहे पर आयोजित समारोह में मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और भाजपा जिला प्रभारी पुष्कर कला ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण करने के बाद कीर्ति स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित कर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। गौरांग शिक्षा मंदिर कनकपुर के बच्चों ने स्वास्तिक मंत्र और संस्कृत में राष्ट्रगान गाकर अपनी प्रस्तुति दी। सितारगंज के सिसईखेड़ा में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। प्रांतीय औद्योगिक व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह पाली के नेतृत्व में व्यापारियों ने आरोप लगाया कि अज्ञात चोर मोटरसाइकिलों का लॉक तोड़कर चोरी कर रहे हैं। 6 और 8 अगस्त को आशीर्वाद किराना स्टोर के कर्मचारी और रोहित सागर की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। पुलिस को सूचना करने पर चोरों की गिरफ्तारी नहीं की गई। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि चोरी का खुलासा नहीं होता तो प्रदर्शन करेंगे। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर छिंडगा नंदप्रयाग और गोचर और कमेड़ा के पास भारी बारिश के कारण बोल्डर और मलबा आने से मार्ग बंद हो गया। पहाड़ी इलाकों में जारी आफत की बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रमुख स्थानों जैसे कमेड़ा नंदप्रयाग छिंडगा में मलबा जाम हो गया, जिससे यातायात प्रभावित है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन यात्रा करने वालों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।